अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे ओमान ई वीज़ा, एक नई सर्विस मुतारफ़ करवाई गई है आरओपी की जानब से, और उन वीज़ा के बारे में जो अभी तक इशू नहीं हो रहे। आज 13 सितंबर 2020 इतवार का दिन है। आरओपी ने जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट की है, न्यूज़ शेयर की है कि एक तो ई वीज़ा जो है वो मुतारफ़ करवा दी गई है। सर्विस वेबसाइट है, आपको कोई भी वीज़ा चाहिए, आपने किसी डॉक्यूमेंट से आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, टाइपिंग वालों के पास नहीं जाना पड़ेगा, सनत सर्विस सेंटर जो है आपने सिर्फ जो आपका स्पॉन्सर है या आपका कंपनी है जैन कह लें, उन्होंने वेबसाइट पे लॉगिन करना है थ्रू जो ऑथोराइज्ड आइडेंटिटी कार्ड है उसके ज़रिए या पीके इनेबल्ड सिम के ज़रिए वो लॉगिन करेंगे। स्पॉन्सर की सारी डिटेल ऑलरेडी वहाँ पर होगी, आपका डाटा वहाँ पर अपडेट किया जाएगा और क्लियरेंस वीज़ा हर चीज़ जितनी भी तमाम चीज़ें हैं वो वहीं से हो जाएंगी। पहले भी ये सिस्टम चल रहा है क्लियरेंस के लिए, पहले है मैन पावर का जो है क्लियरेंस जो है ऑनलाइन होती है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन होती हैं। तो अब वीज़ा का प्रोसेस जो है वो भी थ्रू आउट ऑनलाइन कर दिया जाएगा, आपको कहीं ऑफिस डिफरेंट ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, यानी पेपर वर्क जो है वो मिनिमम से मिनिमम कर दिया गया है। सो इंशाल्लाह खैर। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, ओमान एयरपोर्ट के मुतलक मैंने पहले न्यूज़ डाल दी है, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी टाइप का जो है तंबाकू फैला रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। भाईजान अभी तक किसी भी किस्म की कोई ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आई कि एयरपोर्ट ओपन होंगे तो बाद में क्या होगा। जैसे ही ऑफिशियली न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह हमेशा की तरह हम इमीडिएटली ब्रेक करेंगे। और दोबारा बता दूँ, सभी किस्म के वीज़ा जो हैं अभी तक बैन हैं। आरओपी ने आज भी कहा है कि अभी तक सभी वीज़ा जो हैं, कोई वीज़ा नया जो है वो इशू नहीं किया जा रहा अगले नोटिस तक। अगला जब नोटिस आएगा उसमें क्या होता है, क्या अनाउंसमेंट होती है, तब तक जो है कोई वीज़ा इशू नहीं किया जा रहा। सो बहुत सारे दोस्त अब आप पूछते थे तो मैं उसको सोचा कि वीडियो ही जो है वो बेहतर रहेगी, बजाय इसके कि मैं सैकड़ों जो है वो रिप्लाई करूँ। तो बहुत सारे दोस्त फिर भी मैंशन कर देते हैं कि भाई बताएँ, कमेंट कर देते हैं। तो प्लीज़ भाईजान, वीज़ा के मतलब मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ, मैंने ये भी बोला कि मुझे तो शर्म आती है एक ही खबर बार बार शेयर करते हुए। सो प्लीज़ वीज़ा के मतलब, नए वीज़ों के इशू के मतलब, इवन के मेरे फैमिली वीज़ा जो हैं मुझे चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, विजिट वीज़ा जो हैं वो चाहिए वो भी नहीं मिल रहे, हमारी कंपनी में वर्क वीज़ा चाहिए वो भी नहीं इशू हो रहे, बहुत लिमिटेड। और यानी अगर कोई हार्डली आपकी रिक्वायरमेंट है तो जो है आपको वीज़ा दिया जाता है फ्रेश वीज़ा। सो इंशाल्लाह खैर, जैसे ही वीज़ों के मतलब नई अपडेट आती है इमीडिएटली विल शेयर। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए कमेंट करें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।